अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब होंगे ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपनी दुआ में काइंडली सबको जरूर याद रखें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, उससे आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टन टन करके मिल जाएंगे। और आज हम लोगों कौन सा वलीमे का शूट करने लगे हैं। बारात का आप लोगों ने देखा है, तो आप लोगों ने बताना है कि वलीमे का शूट जो है ना वो कैसा होता है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला कलर फर्स्ट टाइम पहना है। मुझे बहुत से लोगों ने फरमाइश की थी कि ये वाला कलर पहनो किसी शादी पे, ये वाला शादी पे तो मैंने नहीं पहना, लेकिन आज आमना आपी ने मेरी ये फरमाइश पूरी कर दिया कि ये वाला कलर मैंने पहन लिया। और विदाउट मेकअप मेरी अम्मी कह रही है कि प्यारा लग रहा है, बाकी भी मेकअप आप देखेंगे तो आमना आपी चार चांद लगा देंगी, बाकी ये कुछ पचांगले शिलांगले पचांगले कहते हैं इसको। इधर वाले हाथ में ये वाली रिंग मैंने पहन लिया, चूड़ियाँ मैंने पहन ली हैं, तो ज़्यादा बातें नहीं करनी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया सोने की बजाय हम लोग यहाँ पे करने लगे हैं दूसरा शूट, क्योंकि सुबह मैंने चले जाना है, तो एक दिन में भाई दो शूट तो होने चाहिए। तो बस वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, और आप लोगों ने बताना है कि मैं आज कैसी लग रही हूँ, मेकअप कैसा और ड्रेस कैसा लग रहा है, तो वीडियो आपने फुल वॉच करनी। यार ये आधे से ज़्यादा जो ना मेरा मेकअप हो चुका है, और आंखें आप लोग मेरी देख लो, नींद की वजह से रेड हो रही हैं, अजाने भाई रो रही हैं, हम लोग इसने मल्ला तोबा कर रहे हैं, और ये पार्लर वालियाँ ने पक्कियाँ जन्मी हैं मेरा। यार ये हम लोग यार नहीं, हम लोग पक्की जनती हैं, जनती हम मतलब क्या से क्या बना देती हैं, हरी भरी होनी है हमारी जन्नत है इंशाल्लाह। बाकी है कि यार अजाने हो रही हैं, आंखें मेरी फुल भरी हुई हैं इस टाइम नींद के साथ, तो ये देखें आई मेकअप कंप्लीट हो गया, बेशेस भी कंप्लीट हो गया, ब्लश एंड कंटूरिंग सारा कुछ हो गया, लिपस्टिक रह गई है वो लगती है ना, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक के मैं कैसी लग रही हूँ, बाकी तुझे दस देना। तो जी ये है मेरी फाइनल लुक वलीमे की, जिन्होंने मुझे तैयार किया उनके मोबाइल की स्पेस फुल हो गई है उनसे तो शूट हो नहीं रहा, तो मैंने कहा मैं अपना कर लेती, तो बाकी आप लोगों ने बताना है कि मैं आपको कैसी लग रही हूँ। जिंदगी पहले ही मिनटा मेकअप करवाया दुधपति, पत्ती पसंद भी बहुत है इनको, पत्ती यार ये देखो पत्ती। ये देखो पत्ती का कमाल, पत्ती आप लोगों ने बिल्कुल नहीं यूज करनी, एक एडवाइस मैं आपको इसी पर दे देती हूं, दूध आपने यूज करना है वो भी क्या डाल के, देसी घी डाल के, देसी घी डाल के, हाँ तो फिर देखें कैसे आप चिट्टे होते हैं। अगर आपने चाय पीनी है तो फिर आपके ये हाल होंगे, नहीं नहीं जस्ट हम फन कर रहे हैं। तो बाकी है कि जिंदगी में पहली बार मेरे जैसे कलर पे मेकअप सूट किया, नहीं तो मैंने ज्यादातर देखा है कि जो चिट्टे कलर की होती है ना भूत नहीं लग रही होती है, लेकिन आप लोगों ने भी बताना मैं कैसे लग रही हूँ, इसने मेरी आवाज़ भी भरी हो गई है क्योंकि सुबह के 5 बजे और अभी इनके मोबाइल की स्पेस खाली होती है तो फिर ये भी शूट करते हैं। यहाँ पे हमें 5 बज गए और आमना भी अभी भी फुल एनर्जी के साथ लगी हुई हैं, कभी टीका सीधा कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, यहाँ पे मेरी वीडियो भी आमना भी ही रिकॉर्ड कर रही थी। और यार आमना भी ऐसी बंदी है ना कि मैं बहुत ज़्यादा जब परेशान होती हूँ ना तो मैं इनसे बात कर लेती होती हूँ, तो ये मुझे हिम्मत भी देती हैं, हौसला भी देती हैं, और ऐसे लोग ना आपको बहुत कम मिलते हैं, और अगर मिल जाए ना तो उनकी कदर करनी चाहिए। मुझे ऐसे लोगों की यार बिल्कुल भी समझ नहीं आती, मेरा चैनल है उसके ऊपर 100 व्यूज़ आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे यार, मेरा चैनल है ना नहीं आ रहे तो आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है ना, अगर इतने आ रहे हैं ना तो एक दिन इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा भी आएंगे। और बहुत से लोग मुझे यहाँ पे आके अप्रिशिएट भी करते हैं, सो थैंक यू सो मच जो लोग मुझे प्यार देते हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, तो उनका तो मैं जितना थैंक यू करूँ यार उतना कम है। लेकिन मुझे ऐसे लोगों की समझ नहीं आती कि आप किसी को अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते, किसी को हिम्मत नहीं दे सकते, किसी को हौसला नहीं दे सकते, किसी के लिए किसी को आप अच्छी विशेज नहीं यार दे सकते, आप डिग्रेड कैसे कर लेते हो, ये चीज़ आपने कहाँ से सीखी है, किस तरह से आप कर लेते हो कि एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है और उसको आप इतना डिग्रेड कर रहे हो, इतनी आप बातें कर रहे हो। और यार मुझे ऐसे लोगों की भी समझ नहीं आती कि मतलब आपके मुंह पे तो आपकी तारीफ कर देते हैं और आपके पीछे तो, लेकिन एक चीज़ मुझे ये भी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पीछे अगर आपकी कोई बात कर रहा है ना, तो अल्लाह ने आपके अंदर कोई ना कोई खूबी रखी होती है, खामी तो सब में ही होती है, उसको एक्सेप्ट कोई कोई करता है, हर कोई तो नहीं करता, बाकी आमना आपकी ऐसी बनती हैं जो मुझे हर जगह पर सपोर्ट करती हैं, सो थैंक यू सो मच आमना आपकी। और इसीलिए मैं आमना आपकी के पास गई थी अपना शूट करवाने के लिए, क्योंकि हमारी बहुत देर से बात हो रही, तो मैंने आमना आपकी को बोला था कि मैं कभी किसी से तैयार नहीं हुई क्योंकि मैं खुद भी ब्यूटिशियन हूँ, लेकिन आमना आपकी मैं आपसे ज़रूर तैयार होंगी। और आमना आपकी कह रही थी कि अपने ब्याह की भी बुकिंग करा जा, इंशाल्लाह वो भी आमना आपकी के पास ही होगी जब भी होगी। बाकी आमना आपकी ने मुझे बहुत प्यारा तैयार किया यार, अक्सर सैलॉन्स में ना मुझे बेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, ब्लैक हो जाती है या फिर जो वाइट कलर होता है ना, वाइट कलर वाली लड़कियों का ना वो भूतनी बना देते हैं, तो लेकिन आमना आपी ने मुझे बिल्कुल भी भूतनी नहीं, बल्कि आमना आपी ने मुझे परी बनाया था, और मैं माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। आपने कहना अपने मुँह से कह रही है कि परी लग रही थी, यार लग रही थी तो मतलब लग रही थी, क्योंकि काम बहुत अच्छा किया था आमना आपी ने, और यहाँ पर बस मेरे एक्शन ख़त्म नहीं हो रहे थे। और मज़े की बात यह है कि जब आमना आपी मेरा काम कर रही थी तब मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी ना कि बस ना पूछो, और जैसे ही आमना आपी का काम ख़त्म हुआ तो डेफिनेटली
नहीं यार, फिर तो मैंने टिकटॉक भी बनानी थी, वीडियो भी बनानी थी, फिर मेरी नींद ऐसे फुर करके उड़ गई। तो यार ये थी मेरी आज की फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को बहुत 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 अच्छी लगी होगी, और आपको मैं तो बहुत प्यारी लगी होंगी माशाल्लाह। घर जाके ना मुझे नजर लानी पैनी है अपनी शौकिया हमारी। यार आज इनके पास इतनी शौकी वाली मॉडल आई है ना कि मेरे से पहले कोई ऐसी आई है। लड़कियां सारी यार शौकी होती हैं। खैर ये जो शौकी हो जाती हैं, हाँ ऐसी है, मेकअप करवा के ना लड़कियां पता नहीं खुद को क्या समझती हैं, मुझे समझ नहीं आती। तो ये देखें, ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ना, ये मैंने आमना आपी का पहना है, ब्लश विद आमना का मैंने पहना है, जो कि उन्होंने खुद स्टिच किया है, और मुझे ज़्यादा प्यारा लगा पहना हुआ। ये रिंग भी बहुत प्यारी लग रही है, चूड़ियाँ भी सामने आमना आपी ने मैच करके बनाई है, सेट तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये वाली हाथ में मैंने ये वाली, इसको बाई भी कहते हैं ना, पचांगला कह लो बाई कह लो यार एक ही बात है। और ये ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है, मैंने आपको प्रॉपर सारा ड्रेस दिखाया, तो आप लोगों ने बताना ये ड्रेस कैसा लग रहा है। अगर आप लोग ड्रेस भी स्टिच करवाना चाहते हैं तो आप ब्लश विद आमना के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यार ये ड्रेसेस भी बहुत प्यारे सिलाई करती हैं। तो अगर आप मेरे रिफरेंस से आमना के पास आएंगे ड्रेस स्टिच करवाने के लिए, क्योंकि मेरे भी अब जितने कपड़े हैं ना मैं इनको दे के जाऊंगी, तो अगर आप लोग भी स्टिच करवाना चाहते हैं तो आप ब्लश विद आमना के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं जस्ट मजाक कर रही हूँ, बस अब यार बहुत टाइम हो गया, सुबह भी मेरे कुछ काम है यहाँ पे जो कि करने हैं। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार देना है, दुआ में आप लोगों ने याद रखना है। तो बस यहाँ पे ये वाली वीडियो का मैं कर रही हूँ एंड। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, उससे आपको मेरी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे टाइम से। तो मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।